हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम देखने वाले हैं डिजीज़ रेड रूट ऑफ सुगर केन, यानी गन्ने का लाल बिगलन। तो सबसे पहले ऑब्जर्व की थी वेंट के द्वारा जावा। जावा एक उपमहाद्वीप है इंडोनेशिया का, उसमें 1893 में ऑब्जर्व की थी। उसके बाद में इंडिया में गोदावरी नदी की इकोटोन्स जोन होती है उसमें बार्बर के द्वारा 1901 में ऑब्जर्व की गई थी। बटल ने नाम दिया था रेड रोट। और सबसे ज़्यादा जो मिलती है ये डिजीज़ जहाँ पे भी सबसे ज़्यादा शुगर केन ग्रो कर रहे होते हैं वहाँ पे, और 1947 और 40 के आसपास इसका बहुत ही संक्रामक रूप देखने को मिला। अब आते हैं हम इसके सिम्टम्स की ओर, कैसे पहचान सकते हैं इसके। तो सबसे पहले इसके लक्षण अपीयर होने लग जाते हैं रेनी सीजन के बाद में, जब इसमें प्लांट ग्रोथ बंद हो जाती है और स्टोरेज फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, शुगर निर्माण शुरू होता है। तो आपको सबसे पहले ऑब्जर्व होगा कि टॉप से थर्ड पोजीशन पे आने वाली लेटरल लीफ में क्लोरोसिस होगा, पीली पड़ जाएगी। उसके बाद में जो आपका प्लांट है वो एक तरह से मुरझा जाएगा और लाल वाला एरिया वो श्रिंक हो जाएगा। और एक और क्या होगा कि प्लांट है वो आसानी से टूटने वाला हो जाएगा, वजन में बहुत ही हल्का हो जाएगा, क्योंकि पादप को यांत्रिक सहायता प्रदान करने वाला ऊतक कोलेन का है, उसकी कनेक्टिविटी ख़राब हो जाएगी, इसकी वजह से वो आसानी से टूट सकने वाला हो जाएगा। और पिथ होता है वो अलोंग साइड अपने किनारे पे सफ़ेद धारियां लेते हुए एक तरह से लाल रूप ले लेगा। पिथ यानी कि आप प्लांट का गूदा बोल सकते हैं, या फिर स्टील से अंदर वाला पार्ट, एंडोडर्म सब, फिर स्टील, फिर पिथ, सबसे इनर पार्ट जो होता है वो रेड हो जाएगा सफ़ेद धारियां लेते हुए। इसमें देख सकते हो पिथ कैविटी पैथोजन की ग्रे वाले माइसिलियम से कवर हो जाएगी। जूस होगा जो वो बड़ी दुर्गंध के साथ में आपको इंडिकेट करेगा पैथोजन के बारे में, क्योंकि सुक्रोज है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसमें लो क्वालिटी शुगर क्रिएशन होगा, क्योंकि शुगर है वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगी, तो लो क्वालिटी शुगर है, कुड नॉट यूज़ फॉर एनी प्रोफेशनल यूज़। तो इसमें डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो डिजीज नोड है, ठीक है, दो इंटर नोड को कनेक्ट करने वाला पार्ट है, वहाँ पे आपको डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देनी पड़ेंगे, जिसे हम गन्ने की लाल धारियाँ बोल सकते हैं आप, जिसे इसीलिए हम लाल विलगन भी बोलते हैं। तो आपको अजीब सी सुगंध आने लगेगी, क्योंकि सुक्रोज का फॉर्मेशन हो गया ग्लूकोज में, और यूज़ करने के लिए नहीं होगा, वो प्रोफेशनली यूज़ नहीं कर सकते आप। तो आइए कुछ स्लाइडें देखते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे पिथ है वो लाल हो गया है, किनारों पे सफ़ेद धारियाँ देख रहे हो आप, ठीक है। तो इस तरह से आप रेड रोट को आसानी से पहचान सकते हो। देखो अलग ही लाल कलर इंडिकेट हो रहा है, तो ये प्रोफेशनली यूज़ नहीं हो सकता है। पैथोजन के बारे में देखते हैं, कोलेटो ट्राइकम फॉल्केटम और अदर स्पीसीज ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। मडी रेड कलर एब्जॉर्ब बाई पिथ, सो कॉल्ड रेड रोट, इसके बारे में हमने देख लिया है। डिजीज सॉइल और सीड बोर्ड ने, यानी कि मिट्टी में रोगजनक निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहता है, और फ्लावर के कुछ संक्रमण कारक होते हैं परागकण, उनसे भी रोग का संचरण हो सकता है। पैथोजन सर्वाइव इन सीड कैंस, इन्फेक्टेड स्टबल्स और सॉइल में क्लेमाइड स्पोर्ट्स के रूप में रह सकता है। डिजीज मैनेजमेंट, कैसे रोक सकते हैं डिजीज़ को, तो डिजीज़ फ्री सेट्स यूज कर सकते हैं हम, रोग मुक्त पादप। हॉट वाटर ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं, और हॉट एयर ट्रीटमेंट, हॉट वाटर ट्रीटमेंट आप 52 डिग्री सेंटीग्रेड 8 घंटों के लिए, 54 डिग्री सेंटीग्रेड 2 घंटों के लिए यूज कर सकते हैं। और हॉट एयर ट्रीटमेंट है 6 घंटों के लिए 54 डिग्री सेंटीग्रेड दे सकते हो आप। रिमूवल ऑफ इन्फेक्टेड स्टूल्स हटा सकते हो, क्रॉप रोटेशन कर सकते हो 2-3 साल का। और डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज़ हैं इसमें, कॉस 767, कॉस 840, 1148, 1158 और 32, ये यूज कर सकते हो। सेट्स ट्रीटमेंट है कार्बेंडाइजेम 2.5 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर 30 मिनट में घोल के आप इन्हें यूज कर सकते हैं। तो ये डिजीज़ मैनेजमेंट है, और हमने शुरुआत में देखा सिम्टम्स और थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन, कैसे संक्रमण होता है, कैसे हम रोक सकते हैं, कुछ स्लाइड्स। तो
ये है हमारा रेड रोट ऑफ सुकरकान। सो थैंक्स गाइस।